हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल एंटी नेट क्लासेस एंड दिस इज़ निकिता राजपूत। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे एंटी नेट क्लासेस यूट्यूब चैनल पर, जहां मैं आपको एंटी नेट एग्ज़ाम से रिलेटेड, उससे रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपडेट्स लेकर आती हूं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरे वीडियो का जो भी नया नोटिफिकेशन हो वो आपको रिसेंटली मिल सके। तो हम यहाँ पर कुछ मेगा एमसीक्यूज कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं मॉक प्रैक्टिसिंग के लिए, पेपर वन से रिलेटेड, जो सभी का कॉमन होता है। तो कुछ पहले अप्रोक्स कुछ 10 क्वेश्चंस मैंने प्रीवियस वीडियो में अपलोड किए हैं। ये जो आने वाली वीडियो है इसमें मैं और कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करूँगी। तो आप सभी लोग से गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक वॉच करिए, और कोई भी क्वेरी या कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन 13 है और 14 है, तो लास्ट सीरीज़ में एक पैराग्राफ दिया हुआ था जिसमें से रीड करके हमें क्वेश्चन आंसर करनी थी, तो वो यहाँ पॉसिबल नहीं था, इसी वजह से मैंने ये क्वेश्चंस नहीं लिए हैं। लेकिन मैं उन क्वेश्चंस को अलग से एक वीडियोस बना दूंगी, वहाँ पर हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए देख लेंगे। ठीक है, तो आते हैं क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को निम्न प्रकार के संप्रेषण में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को किस प्रकार में देख सकते हैं? पहला है दृश्य एवं एक तरफा, ऑप्शन बी है दृश्य श्रव्य एक तरफा, सी है दृश्य श्रव्य दो तरफा, और ऑप्शन डी है दृश्य दो तरफा। तो जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है उसमें आप आवाज़ भी सुन सकते हैं और आप दृश्य भी देख सकते हैं, तो दोनों है, दोनों साइड से ही होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी रहेगा, यानी दृश्य श्रव्य दो तरफा। नेक्स्ट चेक करते हैं क्वेश्चन, भारत में टेलीविज़न कार्यक्रम के प्रसारण के लिए किस पद्धति को अपनाया जाता है? 4 ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं, आपको राइट ऑप्शन मार्क करना है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका पाल, पाल यानी PAL पाल। इसका जो फुल फॉर्म है वो रहेगा फेस अल्टरनेटिव, फेस अल्टरनेटिव लाइन। तो ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, संप्रेषण के साथ निम्नलिखित में से कौन सा कथन संबंधित नहीं है? तो आपको क्वेश्चन बहुत केयरफुली रीड करना है, क्योंकि क्वेश्चन आंसर सबको पता होते हैं, बट ये नॉट नहीं लगाकर इस क्वेश्चन को हम जल्दी में गलत मार्क कर देते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए ये 19 में नहीं लगा हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन है, संप्रेषण के साथ निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए है संदेश माध्यम, ऑप्शन बी है विश्व एक इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क है, ऑप्शन सी है सूचना शक्ति है, और ऑप्शन डी है टेलीपैथी प्रौद्योगिकी है। तो राइट आंसर चेक करेंगे, नहीं है, यहाँ पर आपको नहीं वाला बताना है, तो जो राइट आंसर होगा वो होगा टेलीपैथी प्रौद्योगिकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, शिक्षक का कक्षा में संप्रेषण किस सिद्धांत पर निर्भर करता है? इनफोटेनमेंट, ऑप्शन बी है एजुटेनमेंट, ऑप्शन सी है एंटरटेनमेंट, एंड ऑप्शन डी है पावर इक्वेशन। तो यहाँ पर किसके बारे में पूछा है, संप्रेषण किस पद्धति पर निर्भर करता है, किस में? शिक्षक का कक्षा में। तो शिक्षक का कक्षा की बात की जा रही है, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा एजुटेनमेंट। ठीक है, एजुकेशन से रिलेटेड है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, अभिकथन कक्षा में प्रभावशाली संप्रेषण के लिए कई बार प्रोजेक्शन प्रौद्योगिकी का उपयोग करना वांछनीय होता है। कारण यहाँ दिया हुआ है, प्रोजेक्शन पद्धति के उपयोग से पाठ्यक्रम की विषय वस्तु का व्यापक समावेश होता है। तो यहाँ पर आपको असर्शन दिया हुआ है और रीज़न दिया गया है, इसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन मार्क करना है। तो बहुत केयरफुली रीड करेंगे और इसका असर्शन निकालेंगे। चेक कर लेते हैं नेक्स्ट पेज पर।
ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर था, असर्शन दिया हुआ था, कक्षा में प्रभावशील संप्रेषण के लिए कई बार प्रोजेक्शन प्रौद्योगिकी का उपयोग करना वांछनीय होता है। तो रीज़न दिया गया है, तो रीज़न में है क्योंकि प्रोजेक्शन प्रौद्योगिकी के उपयोग से पाठ्यक्रम की विषय वस्तु का व्यापक समावेश होता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो ए होगा। यहाँ पर दो ऑप्शन और दिए हैं, प्रीवियस में जो ऑप्शन दिए थे उसके अकॉर्डिंगली ऑप्शन ए राइट होगा, यानी कि दोनों ही सही हैं। अब 21 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से विषम अंक युग्म या समूह का चयन करें। तो आपको यहाँ पर विषम अंक चेक करना है। सभी ऑप्शंस को आप क्लियरली देख लेंगे कि इसमें किस प्रकार से कैलकुलेशन किया गया है। 2 मिनट के लिए आप इस वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर मार्क कीजिए। एंड मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ कि इसमें ये जो क्वेश्चन है 15:46, ठीक है, तो ये किस प्रकार से बनाया गया है। यहाँ पर मल्टीप्लाई किया गया है 15 × 3 = 45, ठीक है, एंड प्लस किया गया है 1 को। 45 + 46, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ देखिए 12 का मल्टीप्लाई कीजिए 3 में, 36 है, प्लस 1 किया गया है यानी 37, ठीक है। इसी प्रकार से 9 = 27 + 1 यानी 28। नेक्स्ट है 8 × 3, एंड इसमें जो प्लस करेंगे 1, तो यहाँ 25 होना चाहिए, बट यहाँ आप देख पा रहे हैं कि ये है 33 है, यानी इसका जो रॉन्ग आंसर होगा वो आपका डी रहेगा, ठीक है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है, यानी कि विषम उसमें आता है। नेक्स्ट है, एक निश्चित कोड में जो JOKARA का अर्थ गो फॉर वॉक, MAFO के अर्थ डू नॉट वॉक। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप चाहें तो मैं इसके लिए आपको अलग से वीडियोस बना दूंगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी आपको मैं इसका राइट आंसर बता देती हूँ। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो इसका ऑप्शन ए है। आप इसे सॉल्व करके देखिए, अगर आपको क्वेरी होती है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, ताकि मैं आपको इससे रिलेटेड वीडियो बना सकूँ। सेपरेटली मैं आपको इसके लिए एक वीडियो बना दूंगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित श्रेणी में केवल एक पद गलत है, उस पद को छांटिए। तो देखिए यहाँ पर आपको ये कैलकुलेट करना होगा सीरीज, जैसे 7 है, तो अगर हम 2 का क्यूब करें तो 2 का क्यूब आपका प्लस, 2 का क्यूब करने के बाद आपको -1 करना है, तो आपको 7 मिलता है। उसी प्रकार से 3 का क्यूब करेंगे एंड प्लस 1 -1 करेंगे तो आपको 26 यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। 7 = 26 एंड 4 का क्यूब करेंगे तो -63 मिलेगा। इसी प्रकार की सीरीज़ कंटिन्यू होगी। तो यहाँ पर जो गलत पद रहेगा वो यहाँ पर 28 रहेगा। नेक्स्ट वीडियो की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नरेश ने लेवल पर लिखी कीमत पर 10% डिस्काउंट पाने के बाद 11,250 में एक टेलीविज़न सेट खरीदा। उसने ट्रांसपोर्ट पर 150 और इंस्टॉलमेंट पर 800 रुपये खर्च किया। बिना डिस्काउंट दिए 15% लाभ कमाने के लिए कितनी कीमत पर बेचा जाना चाहिए। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपको कुल विक्रय मूल्य चेक देखना है। तो जो कुल विक्रय मूल्य है वो आपका कितना रहा है, टोटल देख लेते हैं। तो वो यहाँ पर जैसे कि कुल विक्रय मूल्य है, तो आपका टोटल सेलिंग प्राइस 11,250 प्लस आपका 150
एंड प्लस यहाँ पर 800, ठीक है, यहाँ पर 800 है। आप इसका अगर टोटल करें तो टोटल करने के बाद आपको यहाँ पर 12,200 अमाउंट मिलेगा, ठीक है। तो 12,200 टोटल है, ग्रांड टोटल क्रय मूल्य का। उसमें आपको कितना निकालना है, यहाँ पर 15% लाभ दिया है, तो हम 115 निकालेंगे 100 पर, ठीक है, क्योंकि परसेंटेज में पूछा है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 14,030। तो यहाँ पर देखिए 14,030 ऑप्शन आपको दिया गया है बी में, तो ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल के की माँ तथा एन की बहन है, ओ की बहन के यदि पी क्यू का तथा एन एम का पति हो तो क्यू तो ओ एन का कौन है। तो यहाँ पर हम इसे सॉल्व करके देखेंगे, अभी मैं आपको राइट आंसर बता देती हूँ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका रहेगा भांजी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप रिलेट करके देख सकते हैं। अगर आपको इस ये क्वेश्चंस करने में भी इशू आता है तो मैं रिलेशन से रिलेटेड एक न्यू वीडियो ला दूँगी। तो अभी तक के लिए इतना ही, आगे की और क्वेश्चन हम अपडेट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप हमारे इस चैनल पर बने रह सकते हैं आगे के और क्वेश्चंस के लिए, इसी तरह की और अपडेट के लिए बने रहिए। थैंक यू सो मच।